नमस्कार साथियों, मैं हूं गेवराम चौहान और आप देख रहे हैं GK24 न्यूज। अभी आप हमसे हमारी वेबसाइट GK24news.com पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों की तरफ। आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में बस्ता एवं गणवेश प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों को गणवेश में आने व बस्तियों को व्यवस्थित रूप से रखने के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह गणवेश एवं बस्ता प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन प्रधानाचार्य इंद्र सिंह राठौर के निर्देशन व प्रतियोगिता प्रभारी विक्रम राम की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान निर्णय की भूमिका निजी कॉलेज व्याख्याता भावेश चौधरी, डॉक्टर प्रेमाराम, अभिभावक पर्वत सिंह व जयराराम मंडल कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जीवाणा ने निभे। प्रतियोगिता में कक्षा प्रवेशिका से कक्षा अष्टमी तक के छात्रों ने भाग लिया। कक्षा से स्थान प्राप्त छात्रों का वर्ग के अनुसार निर्णायकों द्वारा गणवेश की जांच कर प्रत्येक वर्ग से सर्वाधिक 4-3 बालकों का चयन किया गया। वहीं बस्ते की जांच कर प्रत्येक वर्ग से 3 भैया बहनों का बस्ता प्रतियोगिता में चयन किया गया। इनमें से पुनः बस्ता व गणवेश में विद्यालय स्तर पर 3 भैया बहनों का चयन किया गया। विद्यालय के प्रचार प्रमुख गेवराम चौहान ने बताया कि विद्यालय स्तर पर गणवेश प्रतियोगिता में भैया गोपाल सोनी, बहन नीतू कुमारी आर व भैया दीक्षित सोनी क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। वहीं बस्ता प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर प्रथम भैया गौतम कलबी, द्वितीय बहन मनीषा कुमारी, भैया आशीष मीना व बहन माया कुमारी तथा तृतीय स्थान बहन ललिता कुमारी ने प्राप्त किया। इस दौरान निर्णय की भूमिका अदा कर रही डॉक्टर प्रेमाराम ने स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि विद्यालय में सभी बालकों को गणवेश व बस्ते सुव्यवस्थित लगे। वहीं इस दौरान निर्णय की भूमिका निभा रही अभिभावक पर्वत सिंह ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, वहीं बालकों में स्वच्छता रखने के भाव उत्पन्न होते हैं। प्रधानाचार्य राठौर ने आए हुए निर्णायकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि विद्या भारती द्वारा संचालित सभी आदर्श विद्या मंदिरों में प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं, जिसका उद्देश्य भैया बहनों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना तथा अपने बस्ते को व्यवस्थित रखना है। उन्होंने बताया कि विद्या मंदिर के सभी भैया बहनों ने इस प्रतियोगिता में रुचिपूर्वक भाग लिया। उन्होंने स्थान प्राप्त सभी भैया बहनों को बधाई दी। वहीं उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर आचार्य हराराम, चेवन ठाकुर, अशोक कुमार, आचार्य नम्रता तोमर सहित अभिभावक विद्या मंदिर के समस्त भैया बहन उपस्थित थे। ताजा अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gk24news.com सहित सोशल मीडिया के विभिन्न